बीजेपी की युवा इकाई एबीवीपी की गुंडागर्दी की एक घटना सामने आई है, जिसमें संगठन पर एक दलित समुदाय के छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने को लेकर दलित छात्र ने खुदकुशी की इच्छा जाहिर की है। देखिए इस रिपोर्ट में। मामला शुजालपुर जेएनएस कॉलेज का है, जिसमें एबीवीपी संगठन ने बगैर अनुमति लिए धरना प्रदर्शन कर कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर बंद किया था। इस घटनाक्रम में एक छात्र को कॉलेज से बाहर जाने के लिए उसने मुख्य द्वार खुलवाने के प्रयास करने पर उसे एबीवीपी के 4-5 छात्रों ने और कुछ बाहर से लाठी लेकर आए सामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें दलित छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। दलित छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गेट खुलवाने का बोला। इसके बाद एबीवीपी छात्रों ने दलित छात्र को जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर भद्दी भद्दी गालियां दी। इसका विरोध किया तो उस पर ताबड़तोड़ हमला किया और उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। एफ आई आर कल भी नहीं, उसके साथ वीडियो है उसका, मारपीट करते हुए वीडियो, उसके बाद में भी एफ आई आर न्यूज के ऊपर। सर क्या हम एसटी वाले तो हमारा कुछ नहीं होगा सर, आप घेराव करेंगे। चलो वीडियो मत बनाओ थाने में, ट्रेन से बोल रहा थाने में वीडियो मत बनाओ भाई जाते। हद तो तब हो गई जब दलित छात्र पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने गया तो थाना प्रभारी द्वारा पहले तो समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया और छात्र जब एट्रोसिटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करवाने पर अड़ा रहा तब उसकी रिपोर्ट सामान्य लिखी गई। को जान से मारने की धमकी देते, बार बार बोलते कि तू रिपोर्ट करेगा तो तेरे को जान से मार देंगे और तेरे को यहाँ से रहने नहीं देंगे और तू हमें जानता नहीं है कि हम कौन और किस हम कौन सी सरकार के हैं, कौन क्या है, हमारा संगठन क्या है, तू हमें जानता नहीं ठीक से। मेरे को ऐसा बोलते और कहते हैं कि तेरे को लड़कियों के केस में फंसा देंगे, हम लड़कियों को एसटी वालों से लेकर तेरे को उनका आरोप लगा देंगे कि तूने छेड़छाड़ का करा ये करा। मेरे को इस तरह के मेरे को कहकर डराया जाता है, धमकाया जाता है और मेरे से बोलते हैं कि तू एबीवीपी की सदस्यता ग्रहण कर, 2 साल हो गए, मैं नहीं करना चाहता, इसके बाद मेरे को मारा जाता है। दलित समाज के छात्र के साथ मारपीट हुई है और उसका वीडियो भी है। उसके बाद भी थाना प्रभारी के द्वारा एट्रोसिटी एक्ट न लगाते हुए उत्पीड़न को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं कॉलेजों में छात्र पढ़ाई करने जाते हैं या सिर्फ राजनीति, समझ से परे है। फिलहाल प्रशासन आगे क्या कदम उठाएगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, शुजालपुर।